रखे जिनका हम एमएस वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं या डेली बेसिस पर हम उनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्टकट हमारा इसके अंदर आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने के लिए यानी कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले रखा है और हमें इसके अंदर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है या डॉक्यूमेंट जितने भी हमारे पेजेस हैं सबको हमें सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस ए यूज़ करना है। सेकेंड हमारा आता है इसके अंदर आपका बोल्ड। जैसे आपने अभी एक पैराग्राफ ले रखा था तो कंट्रोल प्लस बी के साथ हम इसको बोल्ड कर सकते हैं यानी कि डार्क कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी आती है कंट्रोल प्लस सी कॉपी। कंट्रोल सी प्रेस करके हम इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस वी, यानी कि आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आप दोबारा से इस टेक्स्ट को आप पेस्ट कर पाएंगे। जितनी बार भी आप कंट्रोल वी करेंगे ये आपका पेस्ट होता हुआ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर कॉपी पेस्ट के बाद कट। जैसे आपने यहाँ पर कुछ लाइन का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन कैसे करना है इसके लिए ऑलरेडी वीडियो पब्लिश हो चुकी है, उसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया, कट करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स। जहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ था वो आपके डॉक्यूमेंट में से कट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारा शॉर्टकट आता है फॉन्ट बॉक्स, यानी कि जैसे आपने इसका सिलेक्शन कर लिया कंट्रोल प्लस बी से हम ओपन करते हैं फॉन्ट बॉक्स को। फॉन्ट बॉक्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीटली आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने जैसे एजेंसी एफ पी कर दिया, यहाँ पर इटैलिक कर दिया, यहाँ पर साइज चेंज कर दिया और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और नीचे जो आपका लिखा हुआ है सैम्पल नमूना यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, ओके पे क्लिक करोगे आप तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर चेंजेस हो चुके हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट क्या आता है फाइंड। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको टेक्स्ट को फाइंड करना है, कोई भी आपका वर्ड आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एफ। जैसे ही आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे जो भी टेक्स्ट आपको फाइंड करना है उस टेक्स्ट को आपको लिख देना है और यहाँ पर आप देखोगे वो आपको हाईलाइट कर रहे हैं। फाइंड के बाद नेक्स्ट हमारा शॉर्टकट आता है रिप्लेस कंट्रोल एच, यानी कि जो वर्ड हमने फाइंड किया था टैब की से आप रिप्लेस वाले बॉक्स में आएंगे और उसको हम किसी अनदर वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे करना है द कंप्यूटर गाइड के नाम से, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अगर आपको एक रिप्लेस करना है तो आप एक भी करवा सकते हैं और आपको सारे करने हैं तो आप सारे भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। ओके पे क्लिक किया, सेवन रिप्लेसमेंट था, क्लोज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सेव का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है क्योंकि जब भी आप अपना कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, आप कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो तो उसको सेव करना सबसे कंपलसरी है। कंट्रोल प्लस एस के साथ आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स दिखाई देते हैं, जिस भी फोल्डर में आपको सेव करना है आपको क्लिक करना है और आपको एक फोल्डर का नाम टाइप करना है और सेव वाले बटन पर आपको जाके क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रिंट, यानी कि प्रिंट करने के लिए प्रिंट की कमांड देना कंट्रोल प्लस पी। जैसे आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंट का एक बटन आ रहा है, सेटिंग्स आपको चेक कर लेनी है और यहाँ पर से आप प्रिंट की कमांड दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कुछ अलाइनमेंट के शॉर्टकट। जैसे कि हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है रिज्यूमे, तो पहला अलाइन आता है आपका सेंटर। सेंटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ई और ये हमेशा आपका रिज्यूम में, एप्लीकेशंस में, लेटर में, जहाँ पर भी आपको सेंटर में टेक्स्ट करने की नीड है वहाँ पर आपको इसके डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वापस से लेफ्ट अलाइन। कंट्रोल एल के साथ आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, सेट कर सकते हो। सेम इसका अपोजिट राइट साइड करना है तो कंट्रोल प्लस आर से हम इसको राइट साइड कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ ले रखा है, इसको हमने छोटा कर लिया। आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड से आपका इक्वल आ रहा है और राइट साइड से आगे पीछे, तो कंट्रोल जे से हम इसको जस्टिफाई करवा सकते हैं यानी कि सेट कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड से इक्वली इनको सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर आप देखेंगे अंडू का शॉर्टकट। अंडू यानी कि हमने अभी जो स्टेप करे फॉलो, हमने एक पैराग्राफ लिया था उसको बड़ा था वो हमने उसको छोटा किया, तो कंट्रोल जेड से एक एक स्टेप हम बैक जाएंगे। अब देखिए वापस ये बड़ा हो रहा है पैराग्राफ जैसे हमारा पहले था। और इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट आता है हमारा रेडू। अंडू मतलब वापस ले आना और रेडू मतलब वही चीज़ वापस आपको भेज देना, ठीक है। कंट्रोल वाइज वापस यही छोटा हो जाएगा जैसे हमने बाद में किया था। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट आता है हमारे पास गो टू, यानी कि किसी भी पेज पे हमें जंप करना है, इसके लिए हमें एक लॉन्ग पैराग्राफ की नीड पड़ेगी। तो हम मान लीजिए 45x45 यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर पेजेस को अपडेट हो जाने देते हैं पहले। जैसे यहाँ पर पेजेस अपडेट हो गए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर जिस भी पेज नंबर पे आपको जाना है, एग्जांपल के लिए मुझे 5 नंबर के पेज पर जाना है, तो 5 लिखने के बाद
आपको गो टू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप 5 नंबर पेज पे आ गए हो, और ये आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ पर जो पेज दिए हुए 54 आउट ऑफ 54, यहाँ पर भी ये चीज़ आपकी अपडेट हो जाएगी, क्योंकि कई बार ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है प्रोसेसिंग में, तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट हमारा आता है अंडरलाइन। सिलेक्शन करना कंपलसरी है, सिलेक्शन करने के बाद आपको कंट्रोल यू प्रेस करना है, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन सेट कर सकते हो अपने टेक्स्ट के नीचे। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज विंडो। यहाँ पे आपने जो अपनी करंट विंडो ओपन कर रखी है, कंट्रोल डब्ल्यू के साथ इसको आप क्लोज कर सकते हो, अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस किए और सेव नहीं किया, तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करवाना है या फिर डोंट सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे भी आप एक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पेलिंग चेक का। जैसे हमने यहाँ पर एक स्पेलिंग लिख देते हैं और उसको गलत लिख देते हैं, ठीक है, बस हमने यहाँ पर एक स्पेलिंग लिखा और इसमें हमने कुछ मिस्टेक कर दिया, इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे यहाँ पर। और यहाँ पर इसका शॉर्टकट है F7, यानी कि F7 से आप चेक कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। आपको सिंपल F7 की प्रेस करनी है, फंक्शन की वाला, और यहाँ पर आप देखेंगे सही मीनिंग क्या है और आपको चेंज करना है सही मीनिंग, सर इस पर क्लिक कर दीजिए सिर्फ आप, और यहाँ पर वो चेंज होकर आपको दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट F3, यानी कि चेंज केस करना। जैसे हमने यहाँ पर इसको छोटा रखा हुआ है, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, अभी आपका ये प्रॉपर केस है, ये अपर केस बन गया, लोअर केस प्रॉपर, तीन केस आप चेंज कर सकते हो, अपर लोअर या प्रॉपर, शिफ्ट प्लस F3 के साथ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्टली, अगर आपको सिर्फ अपर एंड लोअर में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी लोअर में है, कंट्रोल शिफ्ट A प्रेस करते ही इसको आप अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट A से वापस इसको आप लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है अगर आपको साइज़ जो है वो ग्रेजुअली बढ़ाना है, मतलब आपको साइज़ जो है फॉन्ट का वो 72 से ऊपर करना है और तेज़ी से आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन और लेस देन का एरो, एंगल ब्रैकेट भी आप इनको बोल सकते हो। ग्रेटर देन से साइज़ बढ़ेगा, लेस देन से साइज़ आपका छोटा होगा फॉन्ट का। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट प्लस F1। शिफ्ट F1 से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक रिज्यूम वर्ड लिखा हुआ है और हमने इसका क्या करते हैं, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है, साइज़ वगैरह क्या है सब कुछ हमने सेट कर दिया है। इसको सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है F1, तो यहाँ पर आपको इसका रिवेल हो जाएगा फॉर्मेटिंग, यानी कि देखिए फॉन्ट के अंदर दिखा रहा है आपको साइज कितना रखा था, 26 या 28 जो रखा था, बोल्ड कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, और फॉन्ट का कलर कौन सा है, रेड, और यहाँ तक कि आपको देखिए फॉन्ट का नाम भी दिखा देगा यहाँ पर, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो इसमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग भी दिखा रहा है, अलाइन की साइड है, लेफ्ट इंडेंट कितना है, लेफ्ट राइट से इंडेंट कितना है, ये सारा आपको यहाँ पर देखिए दिखाई दे जाएगा। फिर सेक्शन यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो मार्जिन कहाँ से कितना ले रखा है, तो सारी फॉर्मेटिंग जो है वो रिवील कर देगा इस टेक्स्ट के बारे में, तो इस तरीके से आप इसको ला सकते हो और इसी को हटा भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिवील फॉर्मेटिंग के बाद टाइम और डेट लेने का भी शॉर्टकट इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। टाइम के लिए आपको यूज़ करना है ऑल्ट शिफ्ट टी। जैसे आप ऑल्ट शिफ्ट टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे करंट टाइम यहाँ पर आ चुका है, और सेम ऐसे ही अगर आप ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर करंट डेट आ चुकी है। तो दोस्तों ये थे सारे शॉर्टकट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एम एस वर्ड के अंदर डेली बेसिस पर आपको इनका काम कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।